दोस्तों डेंटल केयर में एक क्राउन टीथ की लेयर ही होती है जो डेंटल से ही ढकी हुई होती है। जब दांत की लेयर टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाते हैं, आगे के डैमेज को रोकने के लिए एक आर्टिफिशियल डेंटल क्राउन रखा जाता है। दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया है कि क्राउन का प्राइस कितना होता है, तो दोस्तों इसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो डेंटल कैप होती है वह बहुत तरह की होती है और जो सबसे खास और सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली कैप होती है वो होती है मेटल फ्री क्राउन, जिसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक जिरकोनिया और दूसरा ईमैक्स। ये दोनों देखने में एक ही जैसी लगती है पर इन दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जो ईमैक्स की कैप होती है वो बनी हुई होती है लिथियम डाइसिलिकेट ग्लास के, और जो जिरकोनिया की कैप होती है वो बनी हुई होती है जिरकोनियम डाइऑक्साइड की। तो दोस्तों अब बात करते हैं इनकी फीचर्स की। अगर हम बात करें जिसमें नेचुरल लुक सबसे ज्यादा आता है, तो इसमें ईमैक्स सबसे ज्यादा अच्छा होता है क्योंकि ईमैक्स का मटेरियल बहुत ही ट्रांसलूशन होता है। ट्रांसलूशन का मतलब अगर उसमें लाइट आती है तो वो इजीली पास हो जाती है, इसलिए उसमें नेचुरल लुक ज्यादा आता है और पता भी नहीं चलता है कि नकली दांत लगा है, इसलिए यह ज्यादातर सामने के दांतों में ही यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं जिरकोनिया की। दोस्तों अगर इसके लुक की बात करें तो यह ईमैक्स से थोड़ा कम हो जाता है, वैसे ये भी बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो है मजबूती की, क्योंकि जिरकोनिया कैप ईमैक्स से बहुत ज्यादा मजबूत होती है, इसलिए यह आगे और पीछे के दांतों में यूज किया जाता है और ईमैक्स कैप ज्यादातर सामने के ही दांतों में लगाई जाती है क्योंकि वह जिरकोनिया से कम मजबूत होती है और पीछे वही कैप लगाई जाती है जो मजबूत हो। दोस्तों बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में किसे सिलेक्ट करें, तो हम आपको बता दें अगर आप लुक को लेकर ज्यादा कॉन्शियस हैं, तो आप ईमैक्स पर जाइए क्योंकि यह आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आपको मजबूती भी चाहिए और अच्छा भी चाहिए तो आप जिरकोनिया पे जाइए, इसको आप आगे और पीछे के दांतों में लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे इनके फीचर्स। अब बात करते हैं इनकी लाइफ की। तो दोस्तों नॉर्मल मैं आपको बता दूं कि 10 से 15 साल तक इनकी लाइफ रहती ही है। इसमें मिनिमम 5 से 10 साल तक की गारंटी मिलती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने साल की गारंटी ले रहे हैं, उस हिसाब से इसकी कॉस्ट इसमें डिपेंड करती है। अगर आप 5 साल की गारंटी लेते हैं तो उनकी कॉस्ट थोड़ी कम होती है, और अगर आप 10 साल की गारंटी लेंगे तो इसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। एक एवरेज कॉस्टिंग मैं आपको बता दूं जो 8,000 से 15,000 तक हो सकती है, वह डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। अगर अच्छे डेंटिस्ट करेंगे तो लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा, तो यह करने के लिए डॉक्टर बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए, उस हिसाब से वह अपनी कॉस्टिंग भी लेते हैं। अगर वह अच्छा करेंगे तो वह अपना चार्ज भी लेंगे। हर डॉक्टर की क्वालिटी दोस्तों अलग अलग होती है और उनका चार्ज भी अलग अलग होता है। आई होप इस वीडियो में आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।